नमस्कार, मैं प्रिया, धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। महाराष्ट्र में अपनी सरकार और शिवसेना के वर्चस्व को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे लगातार प्रयास में हैं। एकनाथ शिंदे तो किसी भी स्थिति में नरमी बरतने के मूड में नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपनी बागी विधायकों से भावनात्मक अपील की है। अपनी अपील में उद्धव ने कहा है कि मुझे पता है कि आपको गुवाहाटी में कैद कर रखा है, मुझे आपकी फिक्र है, आप अभी भी दिल से शिवसेना के साथ हो। महाराष्ट्र की सियासत में बीते कुछ वक्त से इस बात के कयास लग रहे थे कि महाविकास अघाड़ी की सरकार को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से बात की थी। अब इस पर शिवसेना की तरफ से बयान है और उसने ऐसी किसी भी बात से इनकार कर दिया है। शिवसेना के प्रवक्ता हर्षल प्रधान ने कहा कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को सरकार बचाने के लिए कॉल किया था। मेरठ में ऊर्जा भवन पर किसान पंचायत में आए भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा है कि ये हमारे परिवार को विकास दुबे बनाना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि हम जिंदों में आग लगा देंगे, हमारे खिलाफ रिपोर्ट तो करके देखो, सरकार ने हमें अपने निशाने पर लिया है, इनकी जुबान काबू में नहीं आ रही है। नरेश ने राकेश टिकैत पर कर्नाटक हमले का भी जिक्र किया। नरेश ने योगी और राजनाथ की तारीफ भी की, ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यूपीएसएससी पीईटी के लिए upssc.gov.in पर आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आवेदन की आखिरी तारीख 27 जुलाई 2022 है। 3 अगस्त तक एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार किया जा सकेगा। इस भर्ती परीक्षा के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े ग्रुप सी लेवल के हजारों पद को भरा जाएगा। दिल्ली पुलिस ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की स्पेशल सेल की साइबर यूनिट की तरफ से गिरफ्तार किए गए मोहम्मद जुबैर फैक्ट चेक करने वाली न्यूज वेबसाइट चलाते हैं और सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय रहते हैं। हाल ही में नुपुर शर्मा के चर्चित केस में भी मोहम्मद जुबैर का नाम सामने आया था। महाराष्ट्र में पल पर बदल रहे राजनीतिक समीकरणों के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने संजय राउत को दूसरा समन जारी करते हुए 1 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। दरअसल संजय राउत की तरफ से ईडी को पेश होने के लिए 7 जुलाई तक का वक्त मांगा गया था, जिसे ईडी ने खारिज कर दिया है। संजय राउत केंद्र की भाजपा सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से लगाम लगाने का निर्णय लिया है। मंगलवार को केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अवैध रसोई गैस सिलेंडर रखने पर होने वाले हादसे के लिए गैस एजेंसी जिम्मेदार नहीं होगी। आयोग ने गैस सिलेंडर ब्लास्ट के मामले में पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश देने से इनकार करते हुए यह फैसला लिया है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने जल्द मुंबई वापस जाने की बात कही है। मंगलवार को कई दिन बाद मीडिया के सामने आए एकनाथ शिंदे काफी कूल नजर आए। उन्होंने कहा कि हम अलग से पार्टी नहीं बना रहे, हम तो आज भी शिवसेना में हैं। गुवाहाटी में बागी विधायकों के साथ मीटिंग के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व को आगे ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे प्रवक्ता दीपक केसरकर आगे की रणनीति के बारे में जानकारी देंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत धन संशोधन के मामले में जांच के सिलसिले में मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश नहीं हुए। उन्होंने पेशी के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है। ईडी ने राउत को मुंबई के एक चौल के पुनर्विकास और उनकी पत्नी और दोस्तों से जुड़े अन्य वित्तीय लेनदेन से जुड़े धन शोधन के मामले में पूछताछ के लिए मंगलवार को तलब किया था। ट्विटर इंडिया ने एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत में पाकिस्तान के 4 दूतावासों के ट्विटर खातों को बंद कर दिया है। ये कदम तब उठाया गया जब इन पर आरोप लगे कि इन ट्विटर हैंडल से झूठी खबरें और दुष्प्रचार की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की तरफ से इन खातों को तत्काल बहाल करने का आग्रह किया गया है। संसद के इस मानसून सत्र में मोदी सरकार सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के लिए एक विधेयक लाने की तैयारी में। इस बिल में एक प्रावधान ये भी होगा कि जिन बैंकों में निजी हिस्सेदारी हो उनसे सरकार अपना स्टेक पूरी तरह से वापस ले ले। इसी मकसद से सरकार बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लाने जा रही है। बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 के मुताबिक पब्लिक सेक्टर बैंकों में सरकार की 51% की हिस्सेदारी जरूरी है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी ऑयल इंडिया ऑयल एंड नेचुरल गैस निगम लिमिटेड का हेलीकॉप्टर को मंगलवार को मुंबई के पास अरब सागर में रिंग के पास आपात लैंडिंग कराई गई। ONGC के एक हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और 7 यात्री समेत कुल 9 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि इनमें से करीब 6 लोगों को बचाया जा चुका है, जबकि बचाव कार्य अभी जारी था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में एक दिन में कोविड-19 के 11,793 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,34,18,839 हो गई है। वहीं 2700 लोगों की संक्रमण से जान जाने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,25,047 हो चुकी है। अब देश में कोविड-19 का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 94,420 से बढ़कर 96,700 हो गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत का रुख स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने युद्धरत दोनों देश रूस यूक्रेन से शत्रुता को तत्काल समाप्त करने की अपील कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने दोनों देश से बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालने की पेशकश की है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिन के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2 जुलाई तक गरज के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। 28 जून से दिल्ली में रोजाना हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। कोविड-19 रोधी कोविशील्ड या कोवैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके लोगों के लिए बायोलॉजिकल ई के टीके कोर्बोवैक्स को बूस्टर खुराक के तौर पर इस्तेमाल की अनुमति देने पर NTAGE विचार कर सकता है, जिसकी बैठक मंगलवार को होगी। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। ONGC का हेलीकॉप्टर जिसमें 2 पायलट सहित 9 लोग सवार थे मंगलवार को आपातकालीन स्थिति में अरब सागर में कंपनी के एक रिग में उतारा गया है। कंपनी ने यह जानकारी दी। ONGC के एक अधिकारी ने बताया है कि अब तक 9 में से 4 लोगों को बचाया गया है और अन्य को सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। चीन ने मंगलवार को दुनिया के सबसे सख्त कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील दे दी है। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन की अवधि को आधा कर दिया गया है। चीन ने 2020 के बाद से देश में और भी देश के बाहर यात्रा पर काफी कड़े प्रतिबंध लगाए थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने एक बयान में कहा है कि केंद्रीकृत सुविधाओं में क्वारंटीन को 14 दिन से घटाकर 7 दिन कर दिया गया है। केरल पुलिस हेडक्वार्टर ने अपने सभी जिला पुलिस प्रमुखों को सार्वजनिक स्थान और परिवहन के दौरान मास्क पहनाना अनिवार्य करने के लिए राज्य सरकार के निर्देश को लागू करने का आदेश दे दिया है। बता दें कि कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। 22 जून को जारी एक आदेश की कॉपी सभी जिला पुलिस प्रमुखों को भेज दी गई है। भारत इस साल दिसंबर में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। 2023 में यह अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जम्मू कश्मीर में होने की संभावना है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में G20 बैठकें आयोजित करने पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि जम्मू और कश्मीर के विवादित क्षेत्र में नहीं हो सकती। भारतीय वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके पुनः प्रयोज्य धन धोने वाले N95 मास्क बनाए हैं। ये N95 मास्क गंधहीन, गैर एलर्जी और इसमें रोगानुरोधी है और इसकी 4 परतें हैं और इसकी बाहरी परत सिलिकॉन से बनी हुई है, जिससे इसकी शेल्फ लाइफ उपयोग के आधार पर 5 साल से अधिक है। भारत और क्यूबा के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर 27 जून 2022 को हवाना में आयोजित किया गया है। भारतीय पक्ष का नेतृत्व सचिव सौरभ कुमार ने किया है और क्यूबा पक्ष का नेतृत्व विदेश मामलों के उपमंत्री अनायासी रोड्रिज कमेजो ने किया है। कैंसर के उपचार को वहनीय बनाने पर जोर देते हुए संसद की एक समिति ने सोमवार को सरकार के शीर्ष अधिकारियों को कैंसर की दवाओं पर GST हटाने और दवाओं एवं विकिरण चिकित्सा की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाने पर सुझाव दिए हैं। सूत्रों ने यह जानकारी दी। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के राष्ट्रव्यापी चुनाव अभियान चलाने के लिए 11 सदस्यीय अभियान समिति का गठन किया है। उन 11 सदस्यों में कांग्रेस से जयराम रमेश, द्रमुक से तिरुचि शिवा, TMC से सुखेंद्र शेखर रॉय, CPIM से सीताराम येचुरी, समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव, NCP से प्रफुल्ल पटेल, TRS से रंजीत रेड्डी, RJD से मनोज झा और डी राजा भाकपा और सिविल सोसाइटी से सुधींद्र कुलकर्णी शामिल है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को आज पूरा देश जानता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सुर्खियां बटोर रही द्रौपदी मुर्मू के गांव के पास थे एक गांव में आज भी बिजली की रोशनी से कोसों दूर है। हालांकि NDA की तरफ से जब द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुना गया तब उनका गांव ऊपर बेड़ा की भी चर्चा में आ गया था। GST काउंसिलिंग की 47वीं बैठक सोमवार को चंडीगढ़ में होगी। ये बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित होगी। इस बैठक में देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्री हिस्सा लेंगे। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में GST से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लगभग 1 साल पहले 12 जून 2021 को ब्रिटेन के कार्निवल में एक कॉर्बिस बे रिसोर्ट में G7 शिखर सम्मेलन में दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों ने चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रसार को रोकने के लिए एक विकल्प स्थापित करने का स्पष्ट आह्वान कर दिया है। इसे चीन प्रभाव का जाल बता रहा था, बिल्ड बैक और बेटर वर्ल्ड कहा था। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के कई हिस्सों में मंगलवार को सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार की सुबह करीब 7:45 बजे आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई है। 25 जून को भी भूकंप के ऐसे ही झटके महसूस किए गए थे। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र 5 किलोमीटर की गहराई पर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है नुनु कुमार, सुमन सौरभ यादव, अभिजीत कुमार मौर्या, सुमित कुमार गुप्ता, प्रिया यादव ऑफिशियल, नंदिनी मिश्रा, दिनेश प्रसाद, रघुनाथ प्रसाद। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपके इलाके में मॉनसून का असर देखने को मिल रहा है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश
की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।